पिटबुल है, प्योर ब्रीड है, तो किसी को चाहिए तो बताना। तुम्हारे वीडियो लगातार देखें, हैं? नहीं देखो यार आपने। देखते हैं अभी, फोन दिखाओ। तो बारिश तेज होती हुई गाइस, तो ये पिटबुल है, प्योर ब्रीड है, तो किसी को चाहिए तो बताना। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन। आज सुबह से बारिश भी बहुत हो रही थी, तो क्या पता दिक्कत हो सकती है। तो ऑल सेट, बैग रेडी, बीपी इंस्ट्रूमेंट डेली, तो निकलते हैं गाइस। हाँ चले हाँ चलो भाई, वो है चलो ठीक है। टाइम ज़्यादा हो चुका है इसीलिए मुझे जाना होगा, और पेट्रोल भी कम है। तेल में श्रीनगर से भराऊंगा या बागवान से, देखते हैं क्या होता है। और रोड का भरोसा नहीं यार, इसीलिए मैं थोड़ा आज जल्दबाजी में हूँ। और आज यहाँ सुबह से मौसम ही ऐसा था बारिश वाला, तो बारिश का भरोसा नहीं। आगे पता नहीं घर साइड कितनी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में आपको पता है कितनी बारिश होती है, अगस्तमुनि है मेरा होम टाउन। तो हिंडोला खाल को भी भाई बोलते हुए, 3 दिन की छुट्टी, घर वालों के साथ जन्माष्टमी है, वो भी सेलिब्रेट करूँगा। खाल क्रॉस, और ये बच्चे भी यहाँ पे। तो अभी हम न्यूट्रल पे चल रहे हैं क्योंकि अब पूरा न्यूट्रल है, और ये वाला जो रूट है ये निकलेगा आपके बागवान पे। ये थोड़ा शॉर्टकट है, पर थोड़ा आगे जाके कच्ची रोड है पूरी यार। तो कोई नहीं, बुलेट है हमारे पास, आज ड्यूक में नहीं है, आज बुलेट में है, तो इतनी कोई परेशानी नहीं आने वाली। और बहुत सारे गड्ढे यहाँ। नाना पहुँच चुके हैं, हिंडोला सा खाल से लगने वाला ये लास्ट गांव है। इसके बाद थोड़ा ऑफ रोडिंग है 3 किलोमीटर, और उसका पूरा न्यूट्रल, उसके बाद हम मेन रोड पर अटैच हो जाएंगे। और यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है, 15-16 किलोमीटर, और ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है। ऐसा ना हो तेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ हिंडोला खाल में पेट्रोल पम्प तो है नहीं, तो हमें दुकान से लेना पड़ता है, वो भी 120 रुपये लीटर, अगर इमरजेंसी में कभी तुम्हें पेट्रोल चाहिए होगा। और उसमें भी मिक्स तेल, लोग मिक्स तेल देते हैं। तो मेरा नीचे वाला जो ब्रेक है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, बस डिस्क ब्रेक में गाड़ी चल रही है, तो रपटने का डर है। तो हौले हौले चलेंगे, रोडिंग ख़त्म। और पूरा रास्ता ख़राब हो रखा है यार बारिश के कारण। और मेन रोड पे, मतलब पक्की रोड पे, मेन रोड अभी भी काफ़ी नीचे है, यहाँ से बागवान पे मिलेगी ये रोड। और न्यूट्रल है इसीलिए गाड़ी स्टार्ट तो करूँगा नहीं, तेल भी कम है। और आज सोलो राइड पे हूँ, कोई साथ भी नहीं है, तो देखते हैं कैसा रहता है। रोड रोड ब्लॉक भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है आगे का। और पूरा जंगल का इलाका, और सिर्फ मैं और मेरी बाइक, और हर सैटरडे को लगभग ऐसी होता है। वीडियो का पूरा मजा लेना, और ये रास्ता देखे कि ना मस्त है, पूरा जंगल ही जंगल। और काफ़ी देर हो गया यार न्यूट्रल में आते आते, 5:30 हो गया, और ब्रेक अभी मेन रोड पे भी नहीं पहुंचा मैं, और 5:30 हो गया, और अगस्तमुनि जाना है मुझे। लगता अंधेरे में पहुंचूंगा 8 बजे के करीब तक, 7:30-8 मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। सामने दिख रहा होगा आपको ऑल वेदर रोड, और पता भी लग जाएगा बारिश में रोड की कंडीशन क्या है अगस्तमुनि तक की, रुद्रप्रयाग अगस्तमुनि केदारनाथ वाला जो रोड है। और यहाँ से हम टर्न लेंगे, और ये ऋषिकेश वाला रोड है, और यहाँ से आपका मले था 9 किलोमीटर, कीर्तिनगर 12, श्रीनगर 18। और ये भाई भी उखी मठ से हैं, हाई कर दो कैमरे में। और आज पहली बार गाइस ऐसा हुआ कि मैं किसी से मिला और वो मुझे यूट्यूब के थ्रू जानता था, तो काफ़ी अच्छा लगा।
हट जा कुत्ते, कुत्ते आ जाते हैं यार, पता नहीं। श्रीनगर में एंटर हो चुके हैं। अभी मेन श्रीनगर में हूँ और अब कहीं पे नहीं रुकना है, अब चलना है सीधे अगस्त मुनि को। और टाइम हो रहा है 6, मुझे लगता है 8 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा, 7:30-8 बजे तक। चलते हैं गाइस, डाउन साइड हो जा। तो फाइनली श्रीनगर क्रॉस हो चुका है और बहुत रश है इस टाइम पे मार्केट में, और ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं है कहीं पे, अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में आप लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं देगा। फालतू का जाम लगा रखा, भयंकर लेट हो रही है दूसरे इंसान को। भाई साहब कितना गंदा टूटा है यार ये हमेशा टूटता है गाइस यहाँ हमारे घर वाले रास्ते में। कभी भी आप आओ केदारनाथ साइड तो ये वाला पैच ऐसा है जो सबसे ज़्यादा टूटता है। ओहो ओहो कितनी उछल कूद। और अब हम पहुँचेंगे कोविड टेस्ट पे, जहाँ पे कोविड टेस्ट होता है, और अभी तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। और कोई नहीं था, अभी यहीं पे होता है कोविड टेस्ट। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो कोविड के टाइम पे, यहाँ पे दूसरे स्टेट से जितनी भी गाड़ियाँ थे उनका कोविड टेस्ट किया जाता था, और आने जाने वालों का नाम वगैरह पता वगैरह लिखाया जाता था, और कहाँ जाना है, ई पास वगैरह। और यहाँ पर अंग्रेजी शराब की दुकान। तो यार यहाँ पर रुका था थोड़ा, यहाँ पर सोचा था चाय पी लूँ, पर मेरे पास गूगल पे था तो वो चल ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो बिना चाय पिए निकलते हैं। और यहाँ से तो आप पास ही है भाई, वो ट्रक आया मैं कैसे गया उस बड़े से मिट्टी के ढेर के ऊपर से। ओह यहाँ पे कुछ नया बन चुका है, मतलब पहले वहाँ से जाते थे और अभी वाला रूट बन गया है। अब लगने लग गई है बारिश, घर में बूंदे गिर रही है बारिश की, और अब आने आ रही है, अब होने आ रही है प्रॉब्लम। यहाँ की बारिश ऐसे एक बार लग गई ना फिर बंद भी नहीं होगी। ओह माय गॉड, ऑफ रोडिंग बारिश, बारिश ऑफ रोडिंग, हल्की हल्की बारिश लगती हुई यार। बारिश में भीगूंगा नहीं मैं, रेनकोट पहने भले रुक जाऊंगा पर भीगूंगा नहीं। गाइस मैं कैमरा भिगाऊंगा तो नहीं, अगर ऐसा होगा मैं रुक जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। तो बारिश तेज होती हुई गाइस, वो तो घूमेंगे नहीं यार बहुत तेज।
बारिश अभी यहाँ पे रुका होता है रुद्रप्रयाग बाईपास में, और बहुत बारिश हो रही है और अंधेरा भी हो गया है। ये भाई का होटल है, अपने सब्सक्राइबर भी। तो अभी घर की ओर चलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बारिश तेज हो रही है, अंधेरा आगे तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, घर से भी कॉल आ रहे हैं। तो आधे घंटे से मैं यहाँ पे रुका हूँ और काफ़ी देर बैठना पड़ा वहाँ पे जहाँ पे बारिश हो रही थी। तो अभी फटाफट चलेंगे, अगर सुनिए पापा का फ़ोन आया था, मम्मी का फ़ोन आया, टेंशन ले रहे हैं वो लोग। तो अभी बारिश कम हुई है और वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था मुझे बारिश बंद ही नहीं होगी, और यहाँ देखो यहाँ ऐसा लग रहा है बारिश ही नहीं हुई है, रोड सूखी सूखी लग रही है। और पता नहीं आपको अंधेरे में कैसे दिख रहा होगा, मैं पहली बार अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, और अभी तो लाइट है यहाँ पे सारी जगह अगल बगल, और अगर लाइट नहीं होगी आगे से तो पता नहीं आपको कुछ दिखेगा भी कि नहीं। तो चलते हैं अभी फटाफट, तिलवाड़ा पहुँच गए हम, और यहाँ से घर मेरा 7 किलोमीटर है। और अभी जब तक बारिश रुकी हुई है तब तक फटाफट निकल लेते हैं। अब ऐसे 7 ही किलोमीटर है, पर फिर लग गई तो फिर भीग जाऊंगा यार। और ये मेरे भैया लोगों का होटल है, टाटा बाबा रेस्टोरेंट, आशीष कंडारी, तिलवाड़ा के। तो अभी भैया से तो मिल नहीं पाऊंगा, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, रहना हो आपको तो रहें यहाँ। अब देखो पूरा अंधेरा, पता नहीं कैसा वो आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको। तो अगर सुनी मैं एंटर हो गया गाइस, और टाइम हो रहा है करेक्ट आपके 8:10। बारिश आ रही है भाई, वहाँ बारिश आ रही थी। भैया प्रणाम, मैं अभी पहुँच रहा बेटा, मैं टीरी से मेरे घर के ऊपर अगस्मनी पेट्रोल पंप जाए, तो अब हम सीधे घर तक गाड़ी लगाएंगे। सही लगती है गाइस ये, रोमी हाई कर तो कैमरे, हाई कर तो विकर तो हाई, आप विकर हाई। तो घर पहुंच चुके हैं हम लोग।